All right, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is your wellness trainer Nasir. I hope all are doing great. Jaisa main last video mein I was discussing about ki is qom mein ek awareness to aa chuki hai. It's about exercise. Maine parks ke andar dekha hai log trying to do exercise and everything. What we are lacking as a nation is the consistency, cleanliness and maintenance. ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हम लेक कर रहे हैं. फॉलोअप्स हमारी कोई भी कंपनी ले ले, कोई ऑर्गेनाइजेशन ले ले, कोई सिस्टम ले ले, कोई इदारा ले ले पाकिस्तान के अंदर, वी आर लेकिंग अबाउट ऑल दीज बेसिक थिंग्स. हमारी प्रोडक्टिविटी लाइन इज़ टोटली डैमेज. वी आर पॉलिटिसाइज और जो काम कर रहे हैं हम उनको भी यही बता रहे हैं कि ये तो ज़्यादा ही एफिशिएंसी मार रहा है. तो इसका टोटल इन टोटलिटी जो है ना, टोटलिटी इज़ जो हमारे मुल्क की तरक्की को कम करने में सबसे बड़ा रोल प्ले है इसका. लोग इसलिए भी काम नहीं कर रहे हैं कि लोग करेगा यार यहाँ काम करके भी फ़ायदा मिलना क्या है, क्योंकि सिस्टम और कल्चर हमारा ऐसा डिवेलप हो चुका है कि वी कैनॉट. और दूसरी तरफ अगर हम मैं हमेशा मौलवी की बात करता हूँ, मौलवी ने कभी नहीं कहा कि यार हलाल दरख्त लगा लो, फ्रूट्स लगेंगे तो हम सब खा लेंगे, नहीं कभी नहीं कहा. सो क्योंकि मौलवी को तो फ्रूट उसके मस्जिद में पहुंच जाता है, नहीं इज़ टू इन्जॉइंग द फ्रूट्स, चाहे वो रमज़ान हो या कोई और. दूसरी तरफ इस मोहतरम महीने में विच इज़ द होली मंथ ऑफ मुहर्रम, जिस तरह हमारे होली मंथ ऑफ रमदान होता है, फिर हमारे होली डेज़ होते हैं जो अच्छे दिन होते हैं, जो बेस्ट टॉप दिन होते हैं, जो ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, और फिर ईद मिलादुन्नबी है, एंड देन वी हैव लाइक मुहर्रमुल हराम. ऑफ कोर्स वी कैन नॉट डिनाई इट, आइदर वी आर सुन्नी, वी आर शिया, वी आर अदर इन अदर रिलीजन. तो ये तो फैक्ट्स ऑफ लाइफ है कि वी नो कि ये हैपनिंग्स है पास्ट की, और हमारे आज की जो मुस्लिम सोसाइटी है इंडिया पाकिस्तान के अंदर, वही हम और जो इस्लाम हम तक पहुँचा है मुख्तलिफ प्रोसेस से होके पहुँचा है, मुख्तलिफ कल्चर से पहुँचा है, उसके अंदर प्योरली अगर इस्लाम को लिया जाए तो उस पर कहीं चीज़ें ट्रेडिशंस, कल्चर्स और प्रैक्टिसेस, कस्टम्स जो है वो इनबिल्ट हुआ है. इट्स नॉट द ओरिजिनेशन, बट इस्लाम वो दीन है कि जो आपकी दीन और दुनिया दोनों की चीज़ों को वो कर लेता है, आपस में मर्ज कर लेता है. तो मैं एक और सजेशन यहाँ देना चाहूँगा इस मुहर्रम के महीने में कि जो लोग जाके अपने आप को मारते हैं, मातम करते हैं, अपना खून बहाते हैं, उनको ये रिक्वेस्ट है कि ब्लड बैंक्स में जाएं और इस दफ़ा इसको यूँ करें कि अपना ब्लड को डोनेट करें, सेक्रीफाइस. तो बेसिक जो मकसद था इस तमाम प्रैक्टिसेस का, इमाम आले मुकाम इमाम हुसैन अलैहि सलाम का, दैट वाज अबाउट यू नो सेक्रीफाइस, कुर्बानी. तो कुर्बानी देने से हमारे आज तक कोई मौलवी जो है ना वो आज तक सामने कुर्बानी देने के लिए नहीं है. यस दे हैव ऑल गॉन बियॉन्ड द इनकम रिसोर्सेज और सारा कुछ हुआ है. फिर इस्लाम के जितने भी अच्छे प्रैक्टिसेस हैं, कल्चर्स हैं, वो तो हम आज भूल चुके हैं. तो इसलिए लेडीज़ एंड जेंटलमैन, और जितने भी हमारे रिलीजियस सेंटर्स हैं, हमारे रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पहले तो वो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कहलाए गए और उसके बाद अब तो वो पॉलिटिकल और ऑर्गेनाइजेशंस है. बेसिकली कोई भी अगर मजहबी जमात वजूद में आती है वो अमूमन एक बेसिकली सियासी जमात ही होती है. तो ये भी एक मिसकम्युनिकेशन है इस्लाम के अंदर कि दीन को प्योरली प्योर रखा जाए और उसके बारे में डिस्कस किया जाए. दीन का फिर आगे जो ब्रांचेस है ना, दैट इज़ द हेल्थ और एजुकेशन है और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है. पॉलिटिक्स इज को एक तरह से जो पास्ट में जो हमारे लीडर्स ने, इस्लामिक लीडर्स ने किया है, वो तो सियासी उस पर ज़्यादा है. अब जब सियासत में कोई आता है तो उसकी बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो जाती है, दैट्स वाई वो पर्सनल इंटरेस्ट आ गया है उसके अंदर, तो वो फिर पॉलिटिसाइज हो गया, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर फिर उनकी गवर्नमेंट होती है, वॉट एवर दे वॉन्ट दे प्रैक्टिस इट, जिसका दीन से कोई रिलेशन नहीं है. सो
इस्लामिक सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए। अगर आपने प्योरली रिलीजियस रहना है तो फिर आपको सिर्फ कुरान की प्रैक्टिस और कुरान के अंदर जो हिदायत है, ह्यूमैनिटी की सर्विसेज जिसके अंदर जैसा बता दिया कि हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, ख्वातीन के लिए मैटरनिटी होम्स है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो बातें हैं, ख्वातीन की एजुकेशन के ऊपर काम करना, ठीक है, ओल्ड एज बेनिफिट्स जो है उनके लिए कुछ काम करना, तो वो तमाम चीज़ें तो हमारी सोसाइटी के अंदर वो नज़र नहीं आ रही, हमारी जो इस्लामी फलाही रियासत है। तो उस इकतदार के पीछे वो मौलवी भी पड़ा हुआ है, वो सियासी जो एक सियासी तो हम उसको नहीं कहेंगे क्योंकि वी आर नॉट एनी मोर ए नेशन, या हम किसी पॉलिटिक्स को नहीं समझते हैं, बट वी नो हाउ द बेसिस आर, हाउ इट इज़ वर्किंग, हाउ व्हाट दे आर डूइंग, चोरी तो कर रहे हैं बट आप ये कि कह नहीं सकते यू विल भी, ठीक है, झूठ की मंडी लगी थी शहर में, हमने सच बोला तो मुजरिम हो गए। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो अपनी कॉन्शियसनेस है, जो एसेंस ऑफ इस्लाम है, दैट हैज़ बीन टोटली डिमोलिश्ड। तो उसका जो रिज़ल्ट है वो हमारी यंग जनरेशन, जो हमारे यूथ है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनके ऊपर बड़ा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। हमारे जितने भी टैलेंट है, दे आर मेड नॉट फॉर दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए तो ये लोग बने ही नहीं है। जितने भी अच्छे टैलेंट्स हैं या आपने अच्छी एजुकेशन हासिल करनी इंस्टीट्यूट्स के लिए, तो दैट्स ऑन द वेस्ट, आपको वेस्ट की तरफ देखना है, अपनी अच्छी इनकम करनी है, यू हैव टू गो आउट ऑफ पाकिस्तान। सो वो हमने इतना इस सिस्टम को वो कर दिया है, सैबोटाज कर दिया है, ना सिर्फ गवर्नमेंट ने, ना सिर्फ सिविल सोसाइटी ने, माशरे के वो हर फर्द ने जिसको जितना हिस्सा मिला है उसने इतना ही हाथ खोला है। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ नॉट द वे वी हैव टू गो फर्दर। अगर हमने फर्दर स्ट्रेंथन करना है, हमने एज ए नेशन बनना है, हमने एक अच्छा यूनाइटेड बनना है, कौम बनना है, तो फिर देन वी हैव टू वर्क ऑन आवर ओन डिपार्टमेंट्स। आर्मी शुड वर्क ऑन द आर्म फोर्सेस, हमारे सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने में काम करे वो, ना कि वो डिफेंस सोसाइटीज़ बनाए, एंड देन ऑल सॉर्ट ऑफ बिजनेस ज़रूर करे, बट उसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट है ना आम आदमी तक जाना चाहिए, ना कि वो इट शुड बी विद इन दैट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दूसरी तरफ हमारे सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी से आप टैक्स तो लेते हैं बट यू आर नॉट एबल टू गिव देम हेल्थ केयर, यू आर नॉट गिविंग देम एजुकेशन केयर, यू आर नॉट गिविंग देम द इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे गटर लाइंस देखे, हमारे क्लीनिंग का स्टैंडर्ड देखे, इस्लाम में ही कह रहा कि इस्लाम जो ना बड़ा कि भाई बड़ा दावेदार हैं हम लोग कि हम भाई बड़े हम पाक साफ हैं, हम बड़े तहारत के ख्याल रखते हैं, मगर आप देखें अपनी सराउंडिंग में आप देखेंगे कि व्हाट वी हैव डन। दूसरा, फिर हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आज की तारीख में जब आप देखें, रोड्स को देखें, बाकी चीज़ों को देखें, यानी इवन एक स्टोन भी जब आपको पड़ा नज़र आए उसको हटाना इबादत है, वो नेकी है, वो तमाम चीज़ें हमने छोड़ दी हैं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक चीज़ हमारे पास रह गई है, दैट इज़ दी अजान, और वो भी हम चाइनीज़ मेड स्पीकर्स पे अजान देते हैं। मुस्लिम मेड भी बनाओ भाई, एक स्पीकर और एक माइक तो बना लो। मैं तो कहता हूँ कि मौलवी एक दिन ट्राई करे, यू विल बी एबल टू मेक राइट। नो, आपके पास लोहे पड़े हैं, टेक्नोलॉजी है, सीखे भले वो तमाम वीडियोज़ को जो गोरों ने बनाए हैं, बट उससे वो चीज़ों को डिवाइस को ला के उसको कनेक्ट कर दे और बोलो स्पेशली मेड फॉर द मॉस्क्स। फिर वो जो चाइना ने बनाया एक डब्बा जिसके अंदर अजान दिया जाता है, वो भी आप ख़ुद बनाए, मैं मौलवियों से रिक्वेस्ट करूँगा। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मौलवी इज़ द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, इनका बड़ा रोल हो सकता है इफ़ दे आर ऑन द पॉजिटिव साइड। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।